मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मनी झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर से खून ही मांगेगी। मंजिल पठान, कौन है मंजिल पठान, क्या है उसकी कहानी? लोगों को लगता है मंजिल पठान एक बड़ा आदमी, क्या ये सच है? कहाँ से शुरू हुई इसकी कहानी, कहाँ से आया मंजिल पठान? एक बॉम्बे मिल्लत नगर का रहने वाला मंजिल पठान आज हैदराबाद में एक बड़ा बिजनेसमैन, एक कामयाब इंसान। इसके पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे उसकी क्या कहानी है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? क्यों मंजिल पठान अपनी ज़िंदगी में हर काम के पीछे एक वजह है, एक किक है जो उसकी ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ाती है? क्या हुआ था मंजिल पठान के साथ, क्या बीती थी उसके बचपन में, क्या हुआ उसके साथ, कैसी जर्नी उसकी बचपन से आज तक की कहानी आप सुनोगे मंजिल पठान की ज़ुबानी। आइए मिलते हैं मंजिल पठान से और उनकी लाइफ स्टोरी, थोड़ी मस्ती, थोड़ी मजाक, थोड़ा स्पाइस। वेलकम बैक टू एआरएम एंटरटेनमेंट। जैसा आपसे मैंने वादा किया था कि आप लोग को द एक्चुअल मंजिल पठान, दी मंजिल पठान जो लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्या है, मैंने वादा किया था कि मैं डॉक्यूमेंट्री आपको इस पर बताऊंगा कि मंजिल पठान की पूरी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट टू एंड लास्ट 24 आवर्स से मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ, तो काफ़ी कुछ मुझे जानने मिला है और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लोगों तक लाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ मंजिल पठान एंड हाउ इज़ मंजिल पठान। सो ये शुरू करते हैं अपन इंशाल्लाह, एक जर्नी, पूरी जर्नी, पूरी डॉक्यूमेंट्री इनकी जो है वो शुरू करते हैं। सवाल के मंजिल थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा आपको। और ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का मेरा मकसद मंजिल भाई इसलिए था कि मैं आपके साथ में लास्ट 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स हमारा लाइफ स्पेंड उसमें, सो काफ़ी कुछ पता चला, काफ़ी कुछ मैंने जाना आपको कि हाउ यू हैव स्ट्रगल्ड एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी। लोगों को बताया कि मंजिल पठान इज बिग शॉट और काफ़ी नो हैदराबाद में फेम वाला बंदा है, सो क्या ये फेम, क्या ये पैसा, क्या ये बिजनेस, क्या ये आपका जो जर्नी है ईजी थी, क्या था? तो हम पहले सबसे पहले शुरू करेंगे आपकी जर्नी जो कार्स के लिए, जो आज गाड़ियों के लोग मंजिल पठानों को जाना है, बकरों के तो सभी जानते हैं, बट कार्स के लिए भी मैंने काफ़ी लोग से इंटरेक्ट किया हो, तो मतलब मेरे ख्याल से हैदराबाद में जितने भी ऑलमोस्ट बिग शॉट्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है लास्ट 24 आवर्स में, सबके पास मंजिल पठान की गाड़ी दी हुई, मतलब एक कुछ ना कुछ तो एक तो गाड़ी मंजिल पठान की दी हुई गाड़ी उनके कलेक्शन में है। सो ये गाड़ी का बिजनेस मुझे आपसे बता रहा, शुरू कैसा हुआ, आपने ये इंडस्ट्री में आने से पहले क्या क्या आपके साथ में प्रॉब्लम आई और क्या आपको क्लिक किया कि आप सीधा गाड़ी इंडस्ट्री में? मेन तो रहमान भाई सीन ऐसा था कि स्टार्टिंग गाड़ी से नहीं हुई। अच्छा, स्टार्टिंग गाड़ी से नहीं हुई, स्टार्टिंग हुई है एक रोड से। ओके। जब मैं 12 साल का था, 12 साल एचडी में थी, 6th क्लास ड्रॉप आउट, फाइनेंशियली कंडीशन फैमिली के रिलेटेड, तो उस प्रॉब्लम्स की वजह से मैं तब से स्ट्रगल चालू किया। तो मेरा जो लाइफ का जो पहला कदम था इस दुनिया के अंदर कमाने में, तो मैं लिंबू पानी बेचता था, वो भी सैलरी पे। लिंबू पानी, वो भी सैलरी पे, सैलरी पे, गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे, ताज होटल के एग्जैक्ट पीछे, HDFC का ATM था, उसके पास ठेले लगते थे, वो ठेलों का एक मालिक होता था, तो उस मालिक के पास मैं 20 रुपये सैलरी पे रोज के एवरी डे 20 रुपीज़ के उस पर काम करता था, और उसी की खोली में सोते थे हम लोग। कोलावा में गीता नगर एक
एरिया है जो मिलिट्री एरिया के पास आता है, स्लम एरिया है, तो वहाँ पे हम लोग रहते करते थे, मैं था और मेरे कुछ एक दो दोस्त थे जो बन गए थे वहाँ पे। तो लाइफ स्टार्ट वहाँ से हुई, फिर उसके बाद वेटर, डिश वॉशर, किचन हेल्पर, ऐसा करते करते और एक हर मर्द को, एक हर पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के हर बच्चे जितने मर्द है उनको गाड़ियों का शौक तो रहता ही, गाड़ियों का शौक। बच्चा जब पैदा होता है तो वो खिलौने में गाड़ी मांगता है और लड़की डॉल मांगती है, तो गाड़ी का तो खैर एक शौक था। तो मैं बेटा जी वो काम करते करते मैं साइड में मैकेनिक वर्क करता था, उसकी स्टडी करता था क्या है क्या सीन है। वो कोलाबा में कैफे रॉयल, जिसमें मैं वेटर था, वो जो रीगल सिनेमा के बराबर अपोजिट है वहाँ पे मैं वेटर था, कैफे रॉयल एक इटालियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया हूँ। और PVM जिमखाना कुपरेज ग्राउंड के सामने कोलाबा एक पारसी जिमखाना था, तो उधर भी काम किया हूँ। ताज में मैंने 4 साल काम किया हूँ एज अ हेल्पर टाइप, मतलब कैसा मालूम है, मैं FTC वर्कर नहीं, होटल मैनेजमेंट के लोग ही 5 स्टार में काम, हम जैसे लोग हैं ना लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, मतलब बैंकवेट्स में पार्टी हो रही है, स्टाफ की कमी है तो बाहर से हायर करते, तो उस पर फिक्स पे था ताज में। तो जो 26/11 जो हुआ था बम धमाका ताज का, उसके बाद मैं निकल गया था क्योंकि सब मुस्लिम्स लोग को काम पे से निकाल दिया, वो सिचुएशन वैसी थी तभी। तो ऐसा करते करते काफ़ी प्लेसेस पे मतलब मैंने काम किया और गुजरात में भी काम कर रहा हूँ, चाइनीज शेफ के हिसाब से चाइना टाउन में, जो एक गुजरात में एक संजान नाम की एक छोटी सिटी है उसके भी अंदर एक नारगोल नाम का गांव है, वहाँ पे काम किया हूँ। फिर गुजरात में वापी आता है, वापी में, दमन में, मतलब मैं इतने मल्टीपल टाइप्स के काम कर रहा हूँ वहाँ। तो वो बोलने जाऊंगा तो शायद वो आपकी डॉक्यूमेंट्री का टाइम भी खत्म हो जाएगा और दिन भी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं मैं ये चीज आपको जो बता रहा था कि आपके आप 4 साल के थे, 14 साल के रनिंग पोर्शन आप अकेले थे, अकेला था, पूरा घर चलाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर। एक्चुअल सीन क्या था, पूरा घर तो उम्र में कोई नहीं चला था, नहीं चला, तो मेरी मम्मी को जो सपोर्ट करे तो मेरी नानी थी, मेरी मम्मी की जो मम्मी नानी, तो मेरे नानी के पास मेरी मम्मी रहते थे। अच्छा, आप नानी के पास मम्मी रहते थे, मम्मी और मेरी छोटी बहन, और मैं निकल गया था क्योंकि मेरा बचपन से ही ऐसा था ना कि मैं किसी की नहीं सुन पाऊँ, कि अब बचपन से अपन जो फैमिली में देखे ना भाई अप्स एंड डाउन प्रॉब्लम, मैं इरिटेट हो गया था, मतलब क्या जिंदगी यार, दूसरे बच्चे मम्मी डैडी का हाथ पकड़ के चल रहे, इधर घूमने फिरने जा रहे, मैं मेरे दिमाग में एक नेगेटिविटी आ गई थी यार, अपनी फैमिली ऐसी क्यों, अपने को क्यों नहीं है कि भाई माँ बाप साथ में नहीं है एंड ऑल दिस थिंग। तो उसकी बात मेरे को ऐसा था कि अपन कुछ करेंगे बचपन से, तो जो उम्र में बच्चे लोग सोचते ना कि मैं आज ये कैंडी खाऊंगा या चॉकलेट खाऊंगा, तो उम्र में सोचता था कि मैं गांधी जी को बनाऊं कहाँ से, क्योंकि लफड़ा वही है मेरे पैसा, क्योंकि बचपन में जब मैं मेरी मम्मी को बोलता था 5 रुपये चाहिए चॉकलेट खाना, तो मेरी मम्मी दे देती पर वो दिक्कतों से देती, बहुत परेशानी, क्योंकि वो चीज़ मैं बचपन में वो एज ऐसी थी कि मैं नहीं समझ सकता था, मैं रोऊंगा जिद करूंगा, पर जब सिचुएशन खराब होती है, जब माँ के आंसू सामने आते हैं, तो बच्चे जो कि वो दिमाग में अल्लाह ताला बात डाल देते कि नहीं भाई कुछ तो है, तुझे समझना पड़ेगा ये कम उम्र में। तो कहानी ऐसा शुरू हुई, फिर अल्लाह का एहसान ऐसा हो गया कि 20,000 रुपये से मेरा पहला बिजनेस था, 20,000 से गाड़ी रहती, तो मैं लिंबू पानी बेच रहा हूँ चड्डा टी शर्ट में, तो मेरे सामने एक पारसी बाबा ओपल में सीएलओ गाड़ी में एकदम रोल में फुल पटेली में वहाँ पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे वो टाइम पे ऐसा गाड़ी वाड़ी पार्क करके बैठक करके पब्लिक डिक्की पे बैठ के खाना पीना खाती थी, मतलब स्ट्रीट साइड फूड जो पीछे बड़े मियाँ की लाइन, वो अपन देखे तो मैं बोला भंडा है बहुत भारी है ये तो, मतलब चलो कोई बात नहीं और भारी करेंगे। तो फिर अलहमदुल्ला के बाद पैसा भी आया, अपन
बोलना तो नहीं चाहिए, बड़ा दिखेगी फैमिली, मगर खैर शौक था, वो शौक था, आपने भी वो माहौल से आप भी आप तो उनने क्या करे, वो गाड़ी 5 सीटर होती है, सील कर लिया, वो नींबू पानी का जमाना फिर से आया। और मैं रहमान भाई सही आपको कुछ बात बताया नहीं था, जितने टाइम मुलाकात होती है, बस सीन कैसा हुआ मालूम, जब मैं रोल में आ गया तो जिसके पास मैं काम करता था ना, वो बंदा का नाम मेरे को आज तक नहीं मालूम, क्योंकि उसको सब लोग ना जयश्री, वो बंदे को, और अल्लाह का बंदा था, कैसा भी था भाई, भूखे को खाना खिलाया और एक जरूरतमंद को काम किया। तो जब मेरा वक्त अच्छा आया तो मैं गया उसको, उसके आज भी ठेले गेटवे ऑफ इंडिया पे, जितने भी आपको छोटे मोटे जो देखते ना, नींबू पानी, पानी पूरी, चाट का, इस सबका मालिक वो एक है। तो वो बंदे को जब मैं मिला तो मेरे को नहीं पहचान, तो मैंने उसको याद दिलाया तो रोते हुए मेरे गले लग गया, और उसकी यूपी लैंग्वेज की स्टाइल में, मतलब यूपी का, तो रोते हुए गले लग गया, अरे यार बंदी तो बहुत बदल गया है। तो उसके साथ जो दूसरे बंदे जो 10-20 साल से काम कर रहा है, उसको टपली मार के बोलता है कि ये गांडू ये साला तो अभी भी वही बेच रहा है मेरे पास। और मैं लिटरली उसके पास में बीएम में गया था 7 सीरीज, तो उसको मैं गिफ्ट गिफ्ट ये वो लेके गया था, उसके भी बच्चे थे, तो मिला करा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा। ये चीजें अपनी लाइफ में, मतलब रहमान भाई ऐसा चलते थे, जो बहुत लंबी लंबी ऐसी ऐसी कहानी है कि मतलब मेरे पास आज जो भी कुछ है वो हर चीज के पीछे कहानी है। अब ये होटल अपनी है, तो एक टाइम पे अपन वेटर थे, एक टाइम पे अपन वेटर में ना ऐसे पोजीशन पे थे कि मतलब खाना गिरा हुआ तो साफ कर, कि अपनी जिंदगी ऐसी क्यों है, अपन ने सोचे कि अपन अपनी जिंदगी इससे भारी बनाएंगे। तो मैंने ये बनाया जो जो चीज़ दिमाग में, तो मैंने बोला इसको ऐसा बनाऊंगा कि 5 स्टार में भी सिटिंग ऐसी है। तो मैंने ये एक एक चेयर दूल्हे वाली चेयर बनवा दी। अब देखते हो मैं शादियों में हाँ, ऐसी चेयर, हाँ किंग साइड। गाड़ियों में भी ऐसा था कि अपन सबसे भारी गाड़ी चलाएंगे, और भारी गाड़ी से भी भारी काम क्या करेंगे, कि मेरे को ना एक बार क्या हो गया, भारी काम क्या करेंगे, कि मेरे को ना एक बार क्या हो गया था, मैं कभी शादियों में नहीं गया, किसी की दावत में नहीं गया। उसका रीजन क्या होता कि अपन जिंदगी के 15-16 साल स्ट्रगल करें, तो ऐसा जिंदगी में कोई था नहीं तो अपने को दावत दे कि भाई लोग इन्विटेशन कार्ड और हमारे घर की शादी में आओ, क्योंकि उतनी अपनी हैसियत नहीं। और अगर जिन लोगों से कॉन्टेक्ट भी रहा तो वो कभी बुलाएगा भी नहीं, कहाँ ये वेंडर चमार भूंगे मुंह को मेरे घर की शादी में बुलाए। तो एक बार गफलत में क्या हो गया भाई, कि अपन एक दोस्त की बहन की शादी में चले गए, वो भी वेटर था, मैं भी वेटर था। तो हम लोग जब ताज में जॉब कर रहे थे, तो जब उसकी बहन की शादी में मैं गया, वो मराठी था मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उसका नाम सचिन। तो दूल्हा एंट्री मारा, गाड़ी आई 2-3 ऐसा लाइन से, एक फूल वाली गाड़ी थी वो टाइम पे, सोनाटा बहुत चल गई शादी में, बोला तू देख घंटा है, उसमें दूल्हा उतारे अपन जानवर उतारे, और ऐसी गाड़ी से नहीं, भारी गाड़ी को पकड़ोगा तो अपन क्या करें। जब मैं नोट कर लेता था लाइफ में, मेरे में एक आदत है, मैं सबसे जो मेरे को पसंद होती है ना चीजें, मैं उसको नोट करता हूँ कि मेरे को अगर ये चीज करना है या चाहिए तो उसको मेरे को नोट डाउन कर देनी है, ऐसी की बात ऐसी। तो वो नोट करते करते वो सारी चीजें, मतलब समझो मैंने 1 रुपए की चीज पसंद करा तो मैं उसको 10 रुपया करूँ, मेरे को 10 करने, वो टाइम पे 1 था जो मैंने पसंद करा। अब जनरेशन बदल गया तो अपने को और पावरफुल होना चाहिए, अब मैं सोनाटा देता हूँ तो सोनाटा नहीं दूंगा, मैं बेंटली दूंगा। तो ये कहानी ऐसी चली रहे। एक पूरी स्टोरी में एक जरूर रह गई, वो i20 गाड़ी जो आप चला रहे थे, स्क्रैच आता है i10 गाड़ी पे स्क्रैच आता है। मैं हाँ बराबर, मेरी मेगा मॉल, मेगा मॉल के बराबर अपोजिट में बिल्डिंग,
वो मुझे मेरे बॉस का नाम याद नहीं, अपने मियां भाई के, उनकी ऑफिस थी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल्स के अंदर, तो उनके पास मैं ड्राइवर की जॉब कर रहा था, ऑटोमेटिक आई थे, मैं बहुत यंग ड्राइविंग लाइसेंस मिला, तो साइड में तो छोटे मोटे काम करता था, बट सेलिंग ड्राइविंग का काम करने को पैसे से जितना हो सकता है मेरा इनकम सोर्स टाइट कर, इनकम जहाँ से कमा सकते जहाँ से कमा सकते कमा। अब वो आदर्श नगर का सिग्नल था लोटस पेट्रोल पंप के आगे का, तो इन्फिनिटी मॉल का, तो शाम का 8-9 बजे का टाइम था, तो गाड़ी लेके खड़ा हुआ सिग्नल पे, तो राइट लेने का था, तो एक ऑटो का स्मॉल स्क्रैच लग गया, तो बंदा मेरे को इतनी गंदी गंदी गाली दिया, तेरी औकात नहीं है, कभी देखा है क्या, नई ऑटोमेटिक आइडेंटिटी, उसका गुस्सा भी जायज था, वह उसकी नई गाड़ी थी और उसकी लिमिट ही 7 पेटी में बहुत बड़ी थी, उसने उसने मुझे गिन दिया कि अला फला गाली, अपने को दिन बहुत तकलीफ, अगर वो स्क्रैच लगा है मैं मानता हूँ नई गाड़ी में, मैं समझता था कि 1500 से 2000 रुपये में स्क्रैच कट कच्चा पॉलिश हो जाए, उसने गाली बहुत गंदी लगी, तो मैंने काम छोड़ दिया, ऐसे तो मैं किसी और काम छोड़ता नहीं, पर गाली कुछ माँ बहन के ऊपर छोड़ दिया, तो फिर वही सब चीजें जो थी रिवेंज की अपनी लाइफ में, खुद से रिवेंज लिया, हाँ मतलब अपने आप से ही जिद पकड़े हुए थे। तो ये कार का फिर लोग ये बोल, अच्छा तो कार का पैशन जो मंजिल पठान का था ये ऐसे ही नहीं आया, उन्होंने का पानी नींबू पानी का काम करते करते जो देखा उन्होंने ये i10 का स्क्रैच दो था, तो ये 1 का 10 करना और जो चीज पसंद आती है उसको हासिल करना, जो पैशन है जो जिद है कि मेरे को हासिल करना है, नहीं कोई रॉन्ग वे से नहीं, बट हाँ सही तरीके से मेहनत करके उन्होंने वो i20 गाड़ी शायद उन्होंने खरीदी बाद में i10 वो आपने उसमें हुआ था कि चमन्ना थी कि वो खरीद के उसमें ऐश में गिराओ, वो बाइक, हाँ वो बाइक 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 से लेते ऐश के लिए वो बैग रखने का था, सो सी ये लोगों को स्टाइलिश लगेगा, आपने कहा नहीं यार एटीट्यूड है, लेकिन ये पैशन, एक बंदा जो होटल में काम करता, एक बंदा जिसने गुजरात में काम किया, एक बंदा जिसने पानी नींबू पानी का ठेला वो भी किसी और के ऊपर पगार पे चलाया, आज वो मंजिल पठान यहाँ खड़ा है, सो लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि कोई काम छोटा नहीं होता, वो शाहरुख खान की पिक्चर में ना धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, सो छोटे से बड़ा कोई काम नहीं होता, तो वही है, इन्होंने वो काम को पैशन में लाया और इनकी गाड़ियों की जर्नी कि ये एक्चुअल आप लोगों ने सुने गाड़ी के बाद इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करके थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, आप लोगों को चलेंगे बकरों की जर्नी पे कि बकरा क्या वजह से इनको ट्रिगर हुआ, ये बंदा जब कोई चीज ट्रिगर होती है तो वो करना है, तो बकरे में ट्रिगर क्या हुआ वो हम इस डॉक्यूमेंट्री में कंटिन्यू करेंगे, स्टे ट्यून ना भाई, स्टे ट्यून।